डमी ट्रस्टेड बाई हंड्रेड ऑफ टॉपर्स इंक्लूडिंग आई एस रैंक वन श्रुति शर्मा हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू डेली करंट अफेयर्स क्विज डेली करंट अफेयर्स क्विज में हम पांच टॉपिक्स लेते हैं फिलिप्स के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स और उनको एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करते हैं और आज का पहला एमसीक्यू है विध रेफरेंस टू हक्की पिक्की ट्राइब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है हक्की पिक्की ट्राइब की बात की गई यहां पे स्टेटमेंट वन क्या कहता है इंडिजीनियस uh, मेडिसिन इंडिया में काफी सारे ट्राइब्स हैं जिनका अपना इंडिजीनियस मेडिसिन है ठीक है स्टेटमेंट टू दे आर नॉन वेजिटेरियंस स्टेटमेंट थ्री दे स्पीक द्रविडियन लैंग्वेज पहले तो हमें जाना यह जरूरी है कि जो ट्राइब्स हक्की पिक्की कहा पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कर्नाटका में ठीक है ये पाए जाते हैं कर्नाटका में तो दे आर नोन फॉर द इंडिजीनस मेडिसिन ये भी बात सही है स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है दैट दे आर नॉन वेजिटेरियंस मांसाहारी हैं वो ये भी बात सही है और अगर आपको ये समझ में आ रहा हो एक कनाडा से जो कर्नाटका में पाए जाते हैं जो तीसरा स्टेटमेंट है दे स्पीक द्रविड़ियन लैंग्वेज तो आपको ये ऑब्वियस बात लग रही है कि अगर कर्नाटका में रहता है तो द्रविड़ियन लैंग्वेज बोलते होंगे लाइक तमिल मलयालम कन्नडा लेकिन ऐसा नहीं है वो तो कर्नाटका में तो जरूर है लेकिन द्रविड़ियन लैंग्वेज वो नहीं बोलते हैं ठीक है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज बोलते हैं इंडो आर्यन लैंग्वेज कौन है जो नॉर्थ इंडिया में लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो हिंदी या फिर तमाम जो लैंग्वेजेस हैं नॉर्थ इंडिया में वो इंडो आर्यन लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है इस ग्रुप में आता है द्रविड़ियन ग्रुप में नहीं आता है तो करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट ऑफ वर्ष एंड टू करेक्ट ऑप्शन होगा ए वन एंड टू ओनली क्वेश्चन नंबर टू द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज देश भर में जितने चाहे वो टैंक हैं पौंड हैं

वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज पाई गई है तमाम वाटर बॉडीज को इंक्लूड कर दिया अलग अलग कैटेगरी के तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल पाया जाता है और सबसे कम है वो सिक्किम में है ठीक तो है।, है पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट अब देखिए पहला स्टेटमेंट अगर इन करेक्ट है तो आपको समझ में आ गया आएगा करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा इसका तमिलनाडु हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन इंडिया ये भी करेक्ट है एंड वेस्ट बंगाल हैज द हाइस्ट नंबर ऑफ पॉइंट एंड जीरो इन इंडिया जहां तक टैंक की अगर बात करें तो टैंक सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं ठीक है वेस्ट बंगाल में, में पॉन्ट्स पॉन्ट्स एंड रिजर्वर्स तमिलनाडु में लेक्स अच्छा महाराष्ट्र में क्या है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हैं वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है ठीक है आप देखें विदर्भ वगैरह रीजन है काफी वाटर स्ट्रेस रीजन है वो इस वजह से सबसे ज्यादा यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हैं तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी टू एंड थ्री ओनली क्वेश्चन नंबर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया पर कैपिटल कॉमर्शियल एनर्जी अराउंड ए थर्ड ऑफ द ग्लोबल एवरेज तो ये कहा जाता है कि इंडिया सबसे ज्यादा थर्ड लार्जेस्ट इमिटर लेकिन इंडिया एक डिस्टेंट थर्ड इमिटर है ग्लोबल एवरेज जो है खासकर अगर यूरोप और अमेरिका सबसे ज्यादा इमिट करते हैं पर कैपिटल मिशन की अगर हम बात करें तो इंडिया काफी पीछे है तो इंडिया का जो पर कैपिटल कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन स्टेटमेंट सही है कि थर्ड है सेकेंड शेयर ऑफ ग्लोबल गैस कंजन इज ट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है वो वन पॉइंट फाइव परसेंट है ठीक है सिक्स परसेंट नहीं है थर्ड स्टेटमेंट इंडिया कैन नॉट अचीव जियो पोलिटिकल स्टैंडिंग बाई इन मल्टीपोलर वर्ल्ड विदाउट एड्रेसिंग एनर्जी पावर्टी एनर्जी पावर्टी का मतलब यह है कि लोगों के पास एनर्जी से संबंधित चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो इस तरह की सुविधाएं नहीं हो तो अगर डेवलप देखिए एनर्जी क्या है जो एनर्जी के सोर्सेस हैं एक तरह के ये पावर करते हैं इकोनॉमी को और इकोनॉमी में का ग्रोथ तब तक नहीं होगा जब तक सफिशियंट लोगों के पास सफिशियंट इनर्जी रिसोर्सेस न हो ठीक है तो अगर ग्लोबल पावर एक बनना है तो सबसे जरूरी बात यह है कि जो इंडिया में लोग हैं सबको एनर्जी का एक्सेस हो चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो चाहे वो एलपीजी गैस सिलेंडर हो चाहे कोल हो चाहे और तमाम चीज़ें हो इलेक्ट्रिसिटी हो ठीक है तो इन करेक्ट स्टेटमेंट टू है करेक्ट वन एंड थ्री है करेक्ट ऑप्शन होगा सी वन एंड थ्री ओनली क्वेश्चन नंबर फोर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन इन्वॉल्व्स स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर टू मिमिक द कूलिंग इफेक्ट ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन कूलिंग इफेक्ट हुआ तो उसका क्या होगा कंडेंसेशन होगा क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और बारिश होगी तो कई बार जो क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल वार्मिंग के इंपैक्ट को मॉडरेट uh, करने के लिए या फिर काउंटर बैलेंस करने के लिए आर्टिफिशियल रेन की भी बात की जाती है स्टेटमेंट टू टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी आर राइजिंग विद द क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू हॉट हाई वेट वर्ल्ड टेम्परेचर वेट वर्ल्ड टेम्परेचर का मतलब यह है कि जो हमारी बॉडी है हमारी बॉडी स्वेट करती है क्यों स्वेटिंग से कूलिंग इफेक्ट होता है बॉडी में तो पसीना जो निकलता है उससे हमारी बॉडी कूल cool होती है अब देखिए लेकिन हमारे बॉडी का एक लिमिट है कि कितने लिमिट तक हमारी बॉडी हीट को कितना हीट ऑब्जॉर्व कर सकती है एक लिमिट के बयाउंड बॉडी हीट हीट ऑब्जॉर्व नहीं करेगी और उससे क्या होगा कि लोगों की जान भी जा सकती है आप देखिए को हीट स्ट्रोक लग जाता है या फिर जहाँ पे काफ़ी गर्म रीजन में लोग रहते हैं वहाँ पे काफ़ी समस्याएं लोगों को क्रिएट होती हैं तो जो पहला स्टेटमेंट है कि जो जो, जो स्टेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है ये गलत है जो इस जिसमें स्प्रे किया जाता है वो सल्फर डाइऑक्साइड किया जाता है क्योंकि वॉल्के इलेक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होता है और सल्फर डाइऑक्साइड ही कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है इन्वायरमेंट में एटमोसफियर में तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो हॉट वेट टेम्परेचर हॉट वेट बल्ब टेम्परेचर वो बढ़ रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम हमारे बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो सिर्फ ऑप्शन ऑप्शन बी होगा इसमें ओनली टू क्वेश्चन नंबर फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स

स्टेटमेंट टू इन करेक्ट है क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये कोलकाता में है न्यू दिल्ली में नहीं है ठीक है ये कोलकाता में है तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कॉमन सेंस स्टेटमेंट है तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी वन एंड थ्री ओनली ठीक है तो ये था हमारा एमसीक्यू डिस्कशन थैंक यू वेरी मच